बिग बैश लीग 2021-22 का मैच नंबर 10 जो कि मेलबर्न स्टार और सिडनी थंडर के बीच 12 दिसंबर को 1:45 PM पर खेला जाएगा। आज की इस वीडियो में हम दोनों ही टीमों के बारे में बात करेंगे, बताएंगे कौन सी टीम की क्या स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेस है, कौन से प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कौन से बॉलर्स आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, किस टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा है, और अगर आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में टीम बना रहे हो तो कौन सी टीम आपके लिए परफेक्ट प्लेइंग 11 में साबित हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं टीम न्यूज और इंजरी के बारे में। तो यहाँ पे दोनों ही टीमों के ऑल प्लेयर फिट है, लेकिन मेलबर्न स्टार में आपको कुछ चेंजेस होते हुए नजर आ सकते हैं। बात करते हैं दोनों ही टीमों की प्रोबेबली प्लेइंग 11 के बारे में। पहले बात करते हैं मेलबर्न स्टार के बारे में। मार्कस स्टोनिस, जॉय क्लार्क जो कि विकेट कीपर है, उसके बाद निक लार्किन, मैक्सवेल जो कि कप्तान है, रसल, कार्टवेट, बेविस्टर, नथल काउंटलायर, जाम्पा, ब्रूडी कोच, कास अहमद, ये इनकी प्रोबेबली प्लेइंग 11 हो सकती है। वहीं बात करते हैं दूसरी टीम जो कि सिडनी थंडर है। सैम, एलेक्स हिल्स, सैम विलिंग्स, एलेक्स रॉस, मैथ्यू, बेन कटिंग, डैनियल सम्स, क्रिस ग्रीन, नाथन, गुरविंदर संधु और तनवीर सांगा, ये इनकी प्रोबेबली प्लेइंग 11 हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों ही टीमों के हेड टू हेड मैचेस के बारे में। कब जब दोनों टीमें आमने सामने रही है तब कौन सी टीम आगे रही है। तो दोस्तों दोनों ही टीमें 16 बार आमने सामने रही है। इन 16 बार में से मेलबर्न स्टार ने 9 मैचेस जीते हैं और वहीं सिडनी थंडर ने 7 मैच जीते हैं, यानी थोड़ा आगे है मेलबर्न स्टार। वहीं बात करते हैं फर्स्ट बैट पे 7 मैच जीते और सेकंड बैट पे 9 मैचेस जीते हैं। लास्ट 5 मैचेस की बात करी जाए तो यहाँ पे मेलबर्न स्टार ने लीड दे रखी है 4-1 से, यानी 4 मैच जीते मेलबर्न स्टार ने और मात्र 1 मैच जीता सिडनी थंडर ने। बात करते हैं इस ग्राउंड पर टोटल 24 मैचेस खेले गए T20 डोमेस्टिक के, उन 24 मैचेस में से बैटिंग फर्स्ट ने 12 मैच जीते हैं और बैटिंग सेकंड ने भी 12 मैचेस जीते हैं। यानी ये मैटर नहीं करता है कि कौन सी टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है और कौन सी टीम बैटिंग सेकंड कर रही है। वहीं बात करते हैं यहाँ का जो एवरेज स्कोर है वो 148 है और यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर 189 जो कि होबार्ट हरिकेन्स का है। लोवेस्ट स्कोर यहाँ पे सिडनी सिक्सर 76 पे ऑल आउट हो चुकी है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, बिलो स्कोर 159 टाइम, 152-169 9 टाइम, 172-189 6 टाइम और अब स्कोर 190 0 टाइम। तो ये यहाँ का स्कोरिंग पैटर्न था। अब बात करते हैं दोनों ही टीमें जो लास्ट के 5 मैचेस है उनमें क्या उनका रिजल्ट रहा है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर सारी चीज मैंने शो कर दी है। इसमें देखा जाए तो सिडनी थंडर ने केवल 1 मैच जीता है जो कि काफी बड़े मार्जिन से जीता था, 75 रन से। बाकी सारे ही मैच यहाँ पे मेलबर्न स्टार ने जीते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। पिच रिपोर्ट की बात करी जाए तो जो बैटिंग फर्स्ट करेगी उनके जो बैट्समैन होंगे काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे आपको यहाँ पे। वहीं बात करते हैं बॉलिंग अटैक में, स्पिनर और जो मीडियम फास्ट बॉलर होंगे वो आपके लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ सकते हैं। जिस तरीके से लास्ट मैच में एंड्रयू टाई ने कमाल करके दिखाया था, उसी तरीके से इस मैच में आपको बेन कटिंग अगर बॉलिंग कराते हैं, डैनियल सम्स, रसल, ये कुछ ऐसे प्लेयर है जो मीडियम फास्ट बॉलर है जो आपको यहाँ पर विकेट निकालते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं यहाँ का जो एवरेज स्कोर है 150-165 रन है। यहाँ पर आपको एक बैटल काफी अच्छी देखने को मिलेगी बैट्समैन वर्सेस बॉलर की। तो आइए अब बात करते हैं पहले दोनों ही टीमों के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में। पहले बात करते हैं मेलबर्न स्टार के बारे में। यहाँ पर मार्कस स्टोनिस जिन्होंने थंडर के अगेंस्ट 11 मैचेस खेले हैं और 37 के एवरेज से 372 रन स्कोर किया है। इस ग्राउंड पर उन्होंने मात्र 2 मैचेस खेले हैं, 70 रन स्कोर किया, 70 का उनका एवरेज है। वहीं जो नेक्स्ट प्लेयर है निक लार्किन जिन्होंने 7 मैचेस में 96 के एवरेज से 290 रन स्कोर किया है सिडनी थंडर के अगेंस्ट। वहीं उन्होंने इस ग्राउंड पर 1 मैच खेला है और 65 रन स्कोर किया है। मैक्सवेल जिनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं चल रही है अभी तक बिग बैश में, उन्होंने इस ग्राउंड पर टोटल 2 मैचेस खेले हैं और 17 का एवरेज है, 35 रन स्कोर किया है। वहीं उन्होंने थंडर के अगेंस्ट 13 मैचेस में 246 रन स्कोर किया और 25 का उनका एवरेज है। रसल की बात करी जाए तो यहाँ पर उन्होंने इस ग्राउंड पे 6 मैचेस खेले हैं, 96 रन स्कोर किया है, 19 का एवरेज और साथ में ही 10 विकेट निकाल कर दिए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एडम जाम्पा की। उन्होंने थंडर के अगेंस्ट 12 मैचेस में 17 विकेट निकाल कर दिए हैं और इस ग्राउंड पर मात्र 2 विकेट निकाले हैं 2 मैचेस में। कास अहमद जिन्होंने 1 मैच खेला है थंडर के अगेंस्ट और 1 मैच में 1 विकेट निकाल कर दिया था, इस ग्राउंड पर उन्होंने 1 मैच खेला और 1 विकेट निकाल के दिया। अब दोस्तों बात करते हैं सिडनी थंडर के प्लेयर्स के बारे में। थंडर की बात करें, एलेक्स हिल्स जिनका मेलबर्न स्टार के अगेंस्ट 21 का एवरेज रहता है, सैम विलिंग्स जिनका 24 का एवरेज रहता है। वहीं बात करते हैं इस ग्राउंड पर उनका स्ट्रेस क्या रहते हैं। तो दोस्तों एलेक्स हिल्स इस ग्राउंड पर उनका 40 का एवरेज है, सैम विलिंग्स 24 का एवरेज है। मैथ्यू की बात करी जाए तो स्टार के अगेंस्ट 42 का एवरेज है और वहीं सिडनी के इस ग्राउंड पर 16.5 का उनका एवरेज है। वहीं बात करते हैं बॉलिंग अटैक के बारे में।
तो बात करें संधू की, तो उन्होंने 9 मैचेस में 6 विकेट निकाले हैं मेलबर्न स्टार के, और इस ग्राउंड पर 12 मैचेस में 9 विकेट निकाले हैं। तनवीर जिन्होंने 3 मैचेस में 6 विकेट निकाल कर दिए हैं मेलबर्न स्टार के, ये आपके लिए काफी अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। वहीं बात करते हैं सिडनी के ग्राउंड पर, उन्होंने 4 मैचेस में 4 विकेट निकाल कर दी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर आपको जो स्पिनर और जो मीडियम फास्ट बॉलर होंगे वो आपके लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे, और आपने देखा कि स्पिनर्स ने यहाँ पे काफी अच्छे विकेट भी निकाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस जो परफॉर्मेंस है उनके बेसिस पे कौन से प्लेयर आपको जरूर पिक करने हैं, और इन्हीं के आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के, तभी आप ग्रैंड लीग विन कर सकते हो। तो दोस्तों एलेक्स रॉस, एलेक्स हिल्स, सैम ब्लिंग्स, मैथ्यू, डैनियल सम्स, क्रिस ग्रीन, ब्रॉडी, मार्कस स्टोनिस, मैक्सवेल, निक लार्किन, कार्थवेट, एडम जाम्पा और कास अहमद, तो लगभग ये प्लेयर्स आपको पिक करने हैं अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में। अब दोस्तों ग्रैंड लीग में आप इन्हीं के साथ जाइएगा और अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाइएगा, हो सकता है आप ग्रैंड लीग जरूर क्रैक कर ले। अब दोस्तों बात करते हैं बैट्समैन वर्सेस बॉलर की एक बैटल के बारे में। दोस्तों मार्कस स्टोनिस वर्सेस क्रिस ग्रीन की बात करी है तो 2 बार आउट हो चुके हैं, 25 बॉले फेस करीब 41 इन्होंने रन स्कोर किया है, स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहता है लेकिन 2 बार आउट भी हो चुके हैं। वहीं निक वर्सेस डैनियल सम्स की बात करी है, 34 बॉलों पे 60 रन स्कोर किया है, यानी यहां पर भी स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहता है और मात्र 1 बार आउट हुए हैं। वहीं एलेक्स वर्सेस कास अहमद की बात करी है, 31 बॉलों पे 52 रन स्कोर किया है, यहां पर भी स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहता है और लेकिन 2 बार आउट रहे हैं। एडम जाम्पा वर्सेस एलेक्स रॉस की बात करी है तो 52 बॉलों पे 84 रन स्कोर किया और मात्र 1 बार आउट रहे, यानी इस बैटल में देखा जाए तो यहाँ पे बैट्समैन ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो इस मैच में जो भी टीम फर्स्ट बैट करेगी उसके आपको स्टार्टिंग के 3 प्लेयर लेने हैं और उसके स्पिनर और मीडियम फास्ट बॉलर आपको जरूर पिक करने हैं, वो आप लोगों के लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं ड्रीम 11 या फिर माई 11 सर्किल या फिर जिस भी साइड पर आप खेलते हो उसके लिए कौन सी प्लेइंग 11 आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। विकेट कीपर में सैम ब्लिंग्स आपके पास काफी अच्छी चॉइस है, आप उनके साथ जाइएगा। वहीं बैट्समैन में एलेक्स रॉस और एलेक्स हिल्स। ऑलराउंडर बात करें तो हिल्टन, डैनियल सम्स, मार्कस स्टोनिस और रसल। वहीं बॉलिंग अटैक की बात करें तो नाथन, तनवीर, नथु कौटिल्य और एडम जाम्पा, ये आपके लिए काफी अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं विनिंग परसेंटेज की। सिडनी थंडर के जीतने के चांसेस 52% है, वहीं मेलबर्न स्टार के जीतने के चांसेस 48% है। टॉस सिडनी थंडर जीत सकता है अगर सिडनी थंडर फर्स्ट बैट पे आता है तो 158 से 168 स्कोर करते हुए नजर आ सकता है। अगर ये मेलबर्न स्टार फर्स्ट बैट पे आती है तो 154 से 162 स्कोर करते हुए नजर आ सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों ही टीमों के बीच इस सीजन एक मैच खेला गया था, मैच नंबर 7, जिसमें क्या स्कोर रहे थे प्लेयर्स के। मेलबर्न स्टार जिन्होंने 165 रन स्कोर किया था, वहीं बात करते हैं उनके जो प्लेयर्स थे उनकी क्या परफॉर्मेंस थी। निक लार्किन जिन्होंने 43 बॉलों पे 52 रन स्कोर किया, वहीं हिल्टन जिन्होंने 30 बॉलों पे 42 रन स्कोर किया, नाथन जिन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट निकाला था, तनवीर सांगा जिन्होंने 2 विकेट निकाले थे 4 ओवर में 29 रन दिए थे। वहीं सिडनी थंडर के बारे में बात करें तो 161 रन स्कोर कर पाई थी 5 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में। वहीं बात करते हैं सैम ब्लिंग्स जिन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, 31 बॉले फेस करी थी 43 रन स्कोर किया था। वहीं मैथ्यू जिन्होंने 49 बॉलों पे 56 रन स्कोर किया। बॉलिंग अटैक की बात करें तो नथु कौटिल्य जिन्होंने 2 विकेट निकाले और वहीं कास अहमद जिन्होंने 3 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट निकाला था। तो ये सारे ही स्टैट्स मैंने आपके सामने रखे, प्लेयर्स के स्टैट्स आपके सामने रखे, दोनों ही टीमों के हेड टू हेड के मैचेस के आपके सामने रखे। अब दोस्तों जो टीम होती है परफेक्ट टीम और परफेक्ट प्लेइंग 11 टॉस के बाद आपको टेलीग्राम पर बताई जाती है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। बाकी आपको डाटा कैसा लगा, ये स्टैट्स आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।